हेलो फ्रेंड्स, श्योर सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है आईसी इंजन का। इसमें हम लोग टोटल 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे। सो वेलकम टू यू इन श्योर सक्सेस। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। सो ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन ए हाफ रिवोल्यूशन, बी वन रिवोल्यूशन, सी टू रिवोल्यूशन, डी फोर रिवोल्यूशन या ई एट रिवोल्यूशन। सो वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ओके, सो करेक्ट आंसर है सी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्निटेड बाय। सो ऑप्शन है स्पार्क, बी इंजेक्टेड फ्यूल, सी हीटिंग रिजल्ट फ्रॉम कॉम्प्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फ्रॉम कंबसन, डी इग्नाइटर या ई कंबसन चेंबर। सो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर जो इज सप्लाइड फ्रॉम कंबसन चेंबर। ओके, सो इन डीजल इंजन फ्यूल इज इग्निटेड बाय हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्केवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मींस। स्केवेंजिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो इसके ऑप्शन है, एयर इज यूज फॉर कंबसन सेंट अंडर प्रेशर, बी फोर्स एयर कूलिंग सिलेंडर, सी बर्नट एयर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कंबसन, डी एयर यूज फॉर फोर्सिंग बर्न गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट पीरियड या ई एयर फ्यूल मिक्सर। सो स्केवेंजिंग कहते हैं उसे, स्केवेंजिंग एयर मीन्स एयर इज यूज फॉर फोर्सिंग बर्न आउट ऑफ गैसेस फ्रॉम इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट पीरियड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। सो स्केवेंजिंग याद रखिए, स्केवेंजिंग एयर बोलते हैं उसे जब बर्न्ड गैसेस को हमें बाहर निकालना रहता है इंजन सिलेंडर से। सो उसे हम सप्लाई करते हैं। इसके बाद एक टर्म आएगा सुपर चार्जिंग, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। स्केवेंजिंग एयर एंड सुपर चार्जिंग दो अलग अलग प्रोसेस है। हाँ देखिए आ गया, सुपर चार्जिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, सो सुपर चार्जिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विथ एयर एट डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमोसफेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यही है। सो सुपर चार्जिंग एयर किसे कहते हैं, हम लोग इसमें एयर सप्लाई करते हैं विद डेंसिटी ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर, जो हमारी एयर डेंसिटी है उससे मैक्सिमम डेंसिटी की एयर सप्लाई करते हैं, मतलब ग्रेटर डेंसिटी की एयर सप्लाई करते हैं। ओके, पांचवा, व्हाट डज द सप्लाई ऑफ स्केवेंजिंग एयर एट डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर मीन्स इंजिन इज सुपर चार्ज्ड। सो ये पूछ रहा है, सो इन दैट केस इसका सीधा सीधा ऑप्शन आंसर होगा नो। इधर ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ए यस, बी नो, सी टू सम एक्सटेंट, डी अनप्रेडिक्टेबल, ई डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर्स। सो क्वेश्चन है, डज द सप्लाई ऑफ स्केवेंजिंग एयर, मतलब स्केवेंजिंग एयर जब सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें हम डेंसिटी ग्रेटर करके उसे वही सप्लाई कर देते हैं, तो स्केवेंजिंग एयर कब यूज़ कर क्या करता है काम, वो बर्न्ड गैसेस को बाहर निकालने का काम करता है। सो अगर हम ग्रेटर डेंसिटी की एयर सप्लाई करें तो उससे वो भी काम वही करने वाला है और बर्न गैसेस को बाहर ही निकालेगा। बट सुपर चार्जिंग क्या होता है, सुपर चार्जिंग में हम हायर डेंसिटी एयर सप्लाई करते हैं, तो इन दैट केस यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, यानी कि अगर स्केवेंजिंग में हम लोग हायर डेंसिटी एयर सप्लाई करेंगे तो वो सुपर चार्जिंग नहीं कहलाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज कॉल्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज नोन एज रिलेटिव एफिशिएंसी, सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, नंबर सेवन, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज, ऑप्शन से रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, द कंप्रेशन ऑफ एयर इन आई सी इंजिन मीन्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आठवा, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो। आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल एज कम्पेयर टू डीजल साइकिल फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो ऑलवेज मोर होती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है सी मोर। सो याद रखिएगा, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल एज कम्पेयर टू डीजल साइकिल इज मोर फॉर गिवन फॉर
अगर कंप्रेशन रेशियो दोनों का सेम है तो। ओके अगला क्वेश्चन, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, गैसेस फ्यूल के बारे में कह रहा है, सो कैलोरीफिक वैल्यू हम इसे डिनोट करेंगे किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, क्योंकि गैस है ना तो इसलिए वॉल्यूम उसका मीटर क्यूब में आएगा। ओके नेक्स्ट, द इंडिकेटेड पावर ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेटेड पावर ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इज गिवन बाय इक्वेशन विच इज नोन एज सी पी एल ए एन अपॉन टू, सो इंडिकेटेड पावर इज गिवन बाय पी एल ए एन अपॉन टू, वेयर पी इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर, एल इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ, ए इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन, एन इक्वल टू आरपीएम ऑफ इंजन। सो ओके अगला क्वेश्चन, इफ इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीज देन इट्स एफिशिएंसी विल बी, अगर इनटेक एयर हम लोग आईसी इंजन में जो एयर सप्लाई हो रही है उसमें इनटेक एयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली डिक्रीज होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हीट इंजन यूटिलाइजेस का ऑप्शन आंसर है ए लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। ओके सो ऑल हीट इंजन यूटिलाइजेस लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। अगला क्वेश्चन, एन इंजन इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन फॉलोइंग, इंजन इंडिकेटर क्या डिटरमाइन करता है, इंजन इंडिकेटर का यूज हम लोग बी ई पी एंड आई एच पी डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। ओके अगला, फ्यूल ऑयल कंजप्शन गारंटी फॉर आई सी इंजन आर यूजली बेस्ड ऑन, फ्यूल ऑयल कंजप्शन इन आई सी इंजन इज यूजली गारंटी इज बेस्ड ऑन हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। ओके अगला, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो इसका आंसर है सी 1-1/r^γ-1, सो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज 1-1/r^γ-1। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, इफ कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 इट्स एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय, अगर और कंप्रेशन रेशियो हम लोग 5 से 6 कर देते हैं तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इन दैट केस इंक्रीज बाय 8%। ओके सो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 7, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही 5 to 7 हो गया देन परसेंटेज इंक्रीज इन द एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 14%। ओके नेक्स्ट 18, इन केस ऑफ गैस टर्बाइन गैसेस फ्यूल कंजप्शन गारंटी आर बेस्ड ऑन लो हीट वैल्यू ऑफ। ओके 19 क्वेश्चन, इन अ टिपिकल मीडियम स्पीड 4-stroke साइकिल डीजल इंजन इनलेट वॉल्व ओपन एट 20 degrees बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड क्लोज एट 35 degrees आफ्टर बॉटम डेड सेंटर, ये करेक्ट ऑप्शन आंसर है। सो इन केस ऑफ 4-stroke साइकिल डीजल इंजन जो इनलेट वॉल्व रहता है वो 20 degrees पहले ओपन हो जाता है और 35 degrees आफ्टर क्लोज होता है बॉटम डेड सेंटर के। ओके टॉप डेड सेंटर के 20 degrees पहले ओपन होता है और बॉटम डेड सेंटर के 35 degrees आफ्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट 20 नंबर, द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन पेट्रोल इंजन आर इज ऑर्डर ऑफ, तो इस का पेट्रोल इंजन में कितना प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है, सो इस प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 6-12 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 250-350 degrees सेंटीग्रेड, सो ये प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट, द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन केस ऑफ डीजल इंजन में प्रेशर कंपेरेटिवली पेट्रोल इंजन के ज़्यादा होता है, सो डीजल इंजन में 35 kg per cm². केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी ये एक यूनिट है प्रेशर की, सो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन आईसी इंजन सिलेंडर, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन आईसी इंजन सिलेंडर इज ऑर्डर ऑफ, सो इन केस ऑफ आईसी इंजन सिलेंडर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, सो मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें 2000 से 2500 2500 degrees सेंटीग्रेड हो सकता है। ओके क्वेश्चन नंबर 13, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल 23, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल हैविंग फिक्स कंप्रेशन रेशियो विथ इंक्रीज इन कट ऑफ रेशियो विल बी
सो इसके ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, बी इंडिपेंडेंट. इसका करेक्ट आंसर है बी, इट विल गोइंग टू डिक्रीज. सो पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है. टू स्ट्रोक इंजन कैन रन इन एनी डायरेक्शन. करेक्ट है, इट कैन रन इन एनी डायरेक्शन. इन फोर स्ट्रोक इंजन अ पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन इन फोर्थ स्ट्रोक. ये भी करेक्ट है. थर्मल इफिशेंसी ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इज मोर ड्यू टू पॉजिटिव स्केवेंजिंग. ये भी करेक्ट है. पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटोसाइकल. करेक्ट. पेट्रोल इंजन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन केस ऑफ डीजल इंजन फॉर सेम पावर आउटपुट. ये रॉन्ग है. सो हमें क्या बताना था? रॉन्ग स्टेटमेंट. सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ई. पेट्रोल इंजन लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन. यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज. सो कंबशन इन केस ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज इट्स होमोजेनियस. नो, दो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी. करेक्ट ऑप्शन है बी, हेट्रोजीनियस. कंबशन इन केस ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज हेट्रोजीनियस. सो अगला क्वेश्चन 26 नंबर. द फ्यूल इन डीजल इंजन इज नॉर्मली इजेक्टेड एट प्रेशर ऑफ. द फ्यूल ऑफ इन डीजल इंजन इज नॉर्मली इजेक्टेड एट प्रेशर ऑफ. सो इसके ऑप्शंस है, पहला 5 टू 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 20 टू 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 60 टू 80, डी 90 टू 130, ई 150 टू 250. सो इन केस ऑफ डीजल इंजन प्रेशर इज क्वाइट हाई. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 90 टू 130 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट 27. द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पर बीएचपी आर ऑफ डीजल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली. स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इन केस ऑफ डीजल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 केजी होता है पर आर. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ सिलेंडर वॉल इन नॉर्मल ऑपरेशन इज नॉट अलाउड टू एक्सीड. सो इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड. 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग अलाउड नहीं कर सकते. नेक्स्ट, द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज स्पेसिफाइड बाय. सो सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज स्पेसिफाइड बाय ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये फॉर्मूला है सिंपल, एन मैक्स माइनस एन मिनिमम अपॉन, ये नीचे एवरेज लिखा हुआ है, एन मैक्स प्लस एन मिन बाई 2 इंटू 100. सो 2 ऊपर चला गया इसलिए 200 यहाँ पे आ गया. तो 200 एन मैक्स माइनस एन मिनिमम अपॉन एन मैक्स प्लस एन मिनिमम, ये बस फॉर्मूला रीअरेंज किया हुआ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रैंकेस एक्सप्लोजन इन आईसी इंजन यूजुअली अकर्स एज. सो क्रैंकेस एक्सप्लोजन इन केस ऑफ आईसी इंजन अकर्स, सबसे पहले माइल्ड एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद बिग एक्सप्लोजन होते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए. ओके, 31. द कॉम्प्रेशन इन आईसी इंजन अकर्स ड्यू टू. सो आईसी इंजन में कॉम्प्रेशन कैसे होता है, क्यों अकर्स ड्यू टू लीकिंग पिस्टन रिंग. कॉम्प्रेशन लॉस. ओके, कॉम्प्रेशन लॉस इन आईसी इंजन अकर्स ड्यू टू लीकिंग पिस्टन रिंग. जी हाँ, यूज ऑफ थिक हेड गैस्केट. यस, क्लॉग्ड एयर इनलेट स्लॉट, इससे भी हो सकता है लॉस. इंक्रीज इन क्लियरेंस वॉल्यूम कॉज्ड बाय बियरिंग ब्रशिंग वियर. यस, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई. सो इन सब से कॉम्प्रेशन लॉस पॉसिबल है. नेक्स्ट, द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पर बी एच पी आर फॉर पेट्रोल इंजिन इज अप्रोक्सीमेटली. इसका करेक्ट आंसर है सी, 0.25 के जी. इन केस ऑफ डीजल इंजिन इट इज 0.2 के जी. नेक्स्ट, द एयर रिक्वायरमेंट फॉर पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग स्टार्टिंग कम्पेयर टू थियोरेटिकल एयर रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीट कम्बर्शन इज. सो इसका करेक्ट आंसर है लेस. ड्यूरिंग स्टार्टिंग रिच फ्यूल सप्लाई करना होता है, सो एयर हमेशा कम लगता है. 34. द इनलेट वॉल्व ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल आईसी इंजिन रिमेन्स ओपन फॉर अराउंड. इसका करेक्ट आंसर है 34 का सी, 235 डिग्री. और बताया था ना 20 डिग्री बिफोर इनलेट वॉल ओपन, फिर 180 प्लस 20 200 और 35 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर. अगर इस टाइप का है तो, और ये ऐसा है, देन यहाँ पे ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे क्लोज होता है. तो ये कंप्लीट देखेंगे तो ये 180, ये 20 और प्लस ये 35, इस टाइप का बनेगा. तो 235 डिग्री टोटल होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन.
सो इनमें से कौन सा इंटरनल कम्बशन इंजन नहीं है? तो पहला टू स्ट्रोक इंजन ये है, फोर स्ट्रोक इंजन ये भी है, डीजल इंजन ये भी है, देन गैस टर्बाइन ये भी है, बट स्टीम टर्बाइन इज़ नॉट अन इंटरनल कम्बशन इंजन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा नॉट पूछा है, सो ऑप्शन ये है ई। नेक्स्ट, पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट 36 में। ओके, सो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट 34%, करेक्ट है, थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की 34% होती है। नेक्स्ट, थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर, थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज अप्रोक्सीमेटली 15:1, ये भी करेक्ट है। देन हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन ड्यूल साइकिल, ये नोट कर लीजिए, हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन ड्यूल कंबशन साइकिल, ये भी करेक्ट है। देन डीजल इंजन आर कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ये भी करेक्ट है। ऐसा इंजन आर यूजली क्वालिटी गवर्न इंजन, ये रॉन्ग है। ऐसा इंजन आर क्वांटिटी गवर्न इंजन, यहाँ पे क्वांटिटी होता तो ये करेक्ट होता। ओके, नेक्स्ट 37, इफ वन सिलेंडर ऑफ डीजल इंजन रिसीव मोर फ्यूल देन अदर, देन दैट सिलेंडर वुड बी, क्या होगा अगर एक सिलेंडर में ज़्यादा, अगर एक सिलेंडर में ज़्यादा फ्यूल आएगा तो क्या हो सकता है? एग्जॉस्ट विल बी स्मोकी, नो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई, स्कैवेंजिंग वुड अकर। ओके, नेक्स्ट 38, द आउटपुट ऑफ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवोल्यूशन और साइज बाय फॉलोइंग वे। तो हमने अभी दो प्रोसेस देखे थे, स्केवेंजिंग एंड सुपर चार्जिंग। सो आउटपुट ऑफ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इन, मतलब उसका रिवोल्यूशन या फिर इंजन में किसी भी तरह का बदलाव किए बिना, खाली सुपर चार्जिंग से हम लोग उसकी इफिशेंसी बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ई, सुपर चार्जिंग 38 का। 39, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इन आईसी इंजन इज लोअर्ड, यहाँ पे कम करने की बात करें, देन इफिशेंसी ऑफ इंजन विल बी इंक्रीज डेफिनेटली। 40, इन अ टिपिकल मीडियम स्पीड फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन, इन अ टिपिकल मीडियम फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन कंप्रेशन स्टार्ट एट 35 degrees आफ्टर टॉप डेड सेंटर एंड एंड एट द टॉप डेड सेंटर, मतलब बॉटम डेड सेंटर से स्टार्ट होता है 35 degrees आफ्टर बॉटम डेड सेंटर एंड एट टॉप डेड सेंटर, मतलब अगर हम देखें, ओके, पहला ए करेक्ट है इसका 40। नेक्स्ट, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो 41, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल, ये करेक्ट है, ऑटो साइकिल इज ऑलवेज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लिक्विड इन टू फाइन ड्रॉपलेट बाई स्प्रेइंग इज कॉल्ड एज, सो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फाइन ड्रॉपलेट इसे ऑटोमाइजेशन कहते हैं, यस ई। देन नेक्स्ट 43, एज रिजल्ट ऑफ डिटोनेशन इन आई सी इंजिन फॉलोइंग पैरामीटर अटेन वेरी हाई वैल्यू, सो विच पैरामीटर, पीक प्रेशर, नो, रेट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर ड्यू टू आई सी इंजिन विल बी वेरी हाई, यस बी इज करेक्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल करेक्ट पूछ रहा है, ओके, ऑल रिवर्सिबल, ऑल इरिवर्सिबल इंजन हैव सेम एफिशिएंसी, नो, ऑल रिवर्सिबल इंजन हैव सेम एफिशिएंसी, नो, बोथ रैंकाइन एंड कार्नोट साइकिल हैव सेम एफिशिएंसी, नो, कार्नोट का सबसे ज़्यादा होता है, नहीं, ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग ऑन सेम टेम्परेचर लिमिट, ये सेम टेम्परेचर लिमिट हैव सेम एफिशिएंसी, यस डी इज द करेक्ट 44 के लिए डी। ओके 45, नेक्स्ट, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन, सो मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन ड्यूल कंप्रेशन साइकिल, इन अ फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन ऑपरेटेड एट 1200 आरपीएम एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड 20 degrees, द टाइम इन सेकेंड ड्यूरिंग विच फ्यूल इज इंजेक्टेड इज 46, आंसर इज ए 1/360 seconds। ओके, इफ वन सिलेंडर ऑफ डीजल इंजन रिसीव मोर फ्यूल देन अदर, इट्स अ सीरियस कंडीशन फॉर दैट सिलेंडर एंड कैन बी चेक्ड बाय, अगर किसी सिलेंडर में ज़्यादा फ्यूल पहुंच रहा है तो उसे कैसे चेक करेंगे, उसे क्वेश्चन है। तो
बाय चेकिंग इनकम्प्लीट कंबशन इन द सिलेंडर, चेकिंग कार्बन बिल्ट अप अराउंड द सिलेंडर, जजिंग पिस्टन साइजर, चेकिंग सिलेंडर एग्जॉस्ट टेम्परेचर विद अ पायरोमीटर. यस, टेम्परेचर एग्जॉस्ट टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पायरोमीटर, सो हमें पता चल जाएगा. ओके, 48. द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन इन सिलेंडर रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ, सो द एक्यूमुलेशन कार्बन अगर जमा हो जाता है तो उससे क्या हो सकता है. 48 का क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इग्निशन टाइम, इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो. सो करेक्ट ऑप्शन आंसर इज इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो विल बी इंक्रीज. देन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कॉम्प्रेस्ड इन डीजल इंजन सिलेंडर. सो इन केस ऑफ डीजल इंजन ओनली एयर इज गेट कॉम्प्रेस्ड. ओके, ए इज करेक्ट. इन केस ऑफ इन 50, ये एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है. फिगर इज शोन वेयर कंप्रेशन वेरी साइकिल आईसी इंजन फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल. ओके, ये फिगर है, इसमें इफिशेंसी एंड वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाया हुआ है. इफिशेंसी वॉल्यूम ये ए बी सी डी. सो इन दैट फिगर फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल द कर्व इज एप्लीकेबल. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल के लिए कौन सा कर्व एप्लीकेबल है. सो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये बी, दिस कर्व इज एप्लीकेबल. सो ऑप्शन इज बी. पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट. 51, फॉल्स स्टेटमेंट क्या क्या है इसमें. आईसी इंजन हैव हायर एफिशिएंसी देन स्टीम इंजन. करेक्ट. हैवी ऑयल इंजन रन ऑन डीजल साइकिल. करेक्ट. गैस इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाय एक्सटर्नल मीन इज नॉट रिक्वायर्ड इन मिक्स साइकिल. सो मिक्स साइकिल में फ्यूल इंजेक्शन रिक्वायर्ड होता है, ये रॉन्ग है. सो हमें क्या पूछा था. फॉल्स स्टेटमेंट. यस, सो आंसर इज डी. क्वेश्चन 52, फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल, फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल कर्व एप्लीकेबल इन फिगर. हमने अभी पहले देखा था फिगर वो. सो इसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या डिनोट कर रहा है. कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डिनोटेड बाय डी. ओके, कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डिनोटेड बाय डी. फॉर मिक्स साइकिल, सो जो बीच में लाइन थी वो मिक्स साइकिल डिनोट कर रही है. मिक्स साइकिल इज डिनोटेड बाय सी. ये मिक्स साइकिल है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ओके, एंड नेक्स्ट 54, एयर फ्यूल रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय. सो एयर फ्यूल रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय कार्बोरेटर. यस, इन अ टिपिकल मीडियम स्पीड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन. फर्स्ट ऑप्शन, अ इंजेक्शन इज स्टार्टेड 10 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड एंडेड 20 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर. यस, दिस इज करेक्ट. टू 56, डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इज लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट. नो, रॉन्ग. जस्ट अबाउट सेम डिफिकल्ट टू इग्नाइट. रॉन्ग. मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट. यस, सी इज करेक्ट. पेट्रोल को इग्नाइट करना कम डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल. ओके, इन अ डीजल इंजिन द डीजल फ्यूल इंजेक्टेड इन टू सिलेंडर वुड बर्न इंस्टेंटली एट अबाउट प्रेशर प्रेस्ड एयर एट टेम्परेचर. मतलब कितने प्रेशर पे वो बर्न हो जाएगा इंस्टेंटली. इंस्टेंटली पूछा है. देन 57, इसका आंसर होगा 1000 डिग्री के अराउंड वो इंस्टेंट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है. ओके, 58 नंबर, व्हेन क्रूड ऑयल इज हीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज गिवन ऑफ फर्स्ट. सो क्रूड ऑयल को हीट करने पर क्या मिलेगा पहले. केरोसिन, गैसोलीन, पैराफिन, डीजल. नेचुरल गैस विल बी फर्स्ट प्रोडक्ट. ओके, 60, द रेटिंग ऑफ डीजल इंजिन विथ इंक्रीज इन एयर इनलेट टेम्परेचर. रेटिंग ऑफ डीजल इंजिन विथ इंक्रीज इन एयर इनलेट टेम्परेचर विल डिक्रीज लीनियरली. यस, 75 cc इंजिन हैज फॉलोइंग पैरामीटर 75 cc. सो 75 cc में 75 cc क्या है. सो 75 cc जो होता है वो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है. ओके, 60 cc. यस, 61, ऑल हीट इंजिन यूटिलाइजेस High heat value of oil. C. Gases fuel guarantees are based on low heat value of oil. Okay. C. The fuel consumption of diesel engine is not guaranteed at 1/4 load because at such load 1/4 load पे क्या होता है. The small difference in cooling water temperature or internal friction has disproportionate effect. मतलब उसका effect काफी ज़्यादा होता है, इसलिए 1/4 लोड पे नहीं दिया जाता. ओके, 64,
पॉलीमराइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस विच इन विच मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बिकम लार्जर. पॉलीमराइजेशन में लॉन्ग चैन बनती है, इसलिए उसका चैन बड़े हो जाता है. 65. द टर्म स्केवेंजिंग इज जनरली एसोसिएटेड विथ. स्केवेंजिंग हम लोग जनरली हाई एफिशिएंसी इंजन में ही करते हैं. ओके, सो ई. 66. इन अ डीजल इंजन कंप्रेशन रेशियो इन कंपेरिजन टू एक्सपांसन रेशियो इज मोर. यस, सी इज करेक्ट. 67. The camshaft of 4-stroke IC engine running at 1500 RPM will camshaft जो रहता है वो half speed में rotate करता है. जो 1500 है तो इसका half कर देंगे तो आंसर आ जाएगा B. Okay. 68. Engine piston are usually made up of aluminium alloy. Aluminium क्यों use करते हैं? Because lighter होता है, wearless होता है, absorb shock absorb कर लेता है, या फिर strong होता है, डज नॉट रिएक्ट विथ लो ऑयल, लाइटर होता है. आई थिंक सो बी 8. यस, लाइटर होता है. मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन. सो मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन ड्यूल साइकिल. यस. द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इंजन कंपेयर टू डीजल इंजन ऑफ फॉर सेम हॉर्स पावर. मतलब स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन फॉर पेट्रोल इंजन एज कम्पेयर टू डीजल इंजन फॉर सेम हॉर्स पावर विल बी मोर. तो पेट्रोल इंजन ज़्यादा फ्यूल कंजम करेगा. ओके, यहाँ पे हम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए. आगे भी ये 300 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो ये हमारा पहला पार्ट था. ओके, बाय बाय.